नमस्कार, निशामधुलिका.com में आपका स्वागत है। दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही चाहिए होता है, इसे जामन या स्टार्टर कहते हैं। घर में दही बिल्कुल ना हो और बाजार से लाए हुए डिब्बा बंद दही से दही ना जम पा रहा हो, तब हम घर में ही नींबू और मिर्च की सहायता से जामन तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखें मिर्च और नींबू की सहायता से कैसे जामन तैयार करेंगे। ये हमने बर्तन में दूध ले लिया है, दूध को हमने पहले से ही बॉईल कर लिया है, लेकिन हम जामन तैयार करेंगे उसके लिए हमें थोड़ा सा हल्का गर्म दूध चाहिए। तो हम दूध को हल्का सा गर्म कर लेते हैं, बिल्कुल इतना गर्म दूध हो जैसा कि हम पीते हैं, हाथ से छुएं तो आसानी से उसे छू सकें। दूध हल्का गर्म हो गया है, गैस बंद कर देते हैं और दूध को हम प्यालियों में डाल लेते हैं। हमें जामन तैयार करना है तो थोड़ा थोड़ा दूध हम प्यालियों में डाल लेंगे। यहाँ हम तीन चीजों से जामन तैयार करेंगे। ये हमने दो हरे मिर्च लिए हैं, मिर्च के साथ में डंठल है, और जामन तैयार करने के लिए हमें डंठल वाले ही मिर्च चाहिए। तो ये मिर्च हम हल्के गर्म दूध में डाल देंगे। मिर्च में डंठल होना बहुत जरूरी है, तभी दही जम पाएगा, और डंठल दूध में डूबना भी चाहिए। और दूसरा दही हम लाल मिर्च के द्वारा जमा रहे हैं। ये हमने दो लाल मिर्च लिए हैं और इनमें दोनों में डंठल है, डंठल का होना जरूरी है दही जमाने के लिए। तो ये मिर्च भी हम दूसरे दूध में डाल देते हैं और डंठल को डुबा देंगे। ये हमने तीसरा जामन हम तैयार कर रहे हैं नींबू के द्वारा। तो एक नींबू ले लिया है, इसका हम रस निकालेंगे और ये लगभग 2 चम्मच नींबू का रस हम दूध में डाल देंगे। और अब हम तीनों तरह के जो जामन हैं उन्हें ढककर गर्म जगह पर रखेंगे। इन्हें हम पूरे 10-12 घंटे के लिए रख देते हैं, हमारे जामन तैयार हो जाएंगे। 12 घंटे हो गए हैं, हम अपने जामन को देख लेते हैं। तो जो हरी मिर्च से जमाया था जामन तैयार है, लाल मिर्च वाला भी जामन तैयार है, और जो हमने नींबू से जमाया था वो भी तैयार है। तो किस तरीके से हम इन्हें, ये जामन हमारा दही बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम ये लाल मिर्च वाला चेक करें, ये भी दही बनकर तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा टाइम जरूर ज़्यादा लगता है, पूरे 12 घंटे लग जाते हैं, 10 से 12 घंटे में हमारे ये जामन तैयार होते हैं। और इसी तरीके से ये नींबू वाला भी जामन तैयार हो गया है। अब हम इनसे दही बना सकते हैं, क्योंकि इनका स्वाद उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता जितना कि दही का होता है। ये हमारे सिर्फ जामुन के काम में आएंगे। इस दही को आप कढ़ी बनाने के यूज में ले सकते हैं। तो ये जो हमने मिर्ची से दही जमाए हैं उसमें हमने डंठल जरूर रखना है, क्योंकि डंठल में ही कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो दूध को दही में डेवलप कर देते हैं और दही को खट्टा भी स्वाद देते हैं। तो ये दही हमारा हल्का खट्टा भी हो जाता है और दही भी जमकर तैयार हो जाता है। ये खराब दूध बिल्कुल नहीं है, ये प्रॉपर दही है, लेकिन जितना दही का स्वाद अच्छा होता है उतना अच्छा स्वाद नहीं होता। तो हम इसे सिर्फ जामुन के रूप में ही यूज करेंगे। तो अब हम इस जामुन से दही जमाएंगे। तो हमने ये दूध ले लिया है, दूध को हमने बॉईल करके रख लिया है, थोड़ा सा हम इसे गर्म कर लेते हैं, क्योंकि दही जमाने के लिए हमें हल्का गर्म दूध चाहिए। हमारा दूध हल्का गर्म हो गया है, गैस बंद कर देते हैं। और हमने दही जमाने के लिए कैसरोल लिए हैं, कैसरोल में दही आसानी से और जल्दी जम जाता है। अगर ठंड का मौसम हो और आप कैसरोल में दही जमा रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको 6-7 घंटे में दही बहुत अच्छा जमकर तैयार मिलेगा। लेकिन अगर आप सादा बर्तन में जमाएं तो दही जमने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दूध को हम कैसरोल में डाल लेते हैं
यह हमने एक लीटर दूध ले लिया था, तो थोड़ा आधा आधा दूध हम दोनों बर्तन में डाल देते हैं। और अब हम इसमें जामुन डालेंगे। तो जो हमने मिर्ची से जमाया है वो दही हम 2 चम्मच इस हल्के गर्म दूध में डालेंगे और कैसरोल को बंद करेंगे और पूरे 6-7 घंटे के लिए रख देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे जामुन से जो हमने नींबू से जमाया है वो भी हम 2 चम्मच इसमें डालेंगे। 2 चम्मच डाल रहे हैं, 1 चम्मच से भी जम जाता है, लेकिन 2 चम्मच से थोड़ा जल्दी जम जाता है, बहुत ज़्यादा दही हमें नहीं डालना होता। अच्छा गाढ़ा दही बनाने के लिए हमें फुल क्रीम दूध चाहिए। दूध को अच्छी तरीके से उबालें, यानी कि दूध में उबाल आने के बाद और उसे 3-4 मिनट तक उबलने दें। दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो दही भी अच्छा गाढ़ा बनकर तैयार होता है। दूध उबालने के बाद उसे कैसरोल या किसी भी बर्तन में डालें जिसमें आप दही जमा रहे हैं और उसे हल्का गर्म रहने तक ठंडा होने दें और दही जमा दें। बहुत अच्छा दही बनकर तैयार होगा। दही जमने के बाद उसे फ्रिज में रख दें तो दही बाद में अगर बाहर पड़ा रहा तो वो खट्टा हो जाएगा। फ्रिज में रख देंगे उसे, वो दही और अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा और उसका स्वाद बिल्कुल ताज़ा बना रहेगा। और ये दोनों कैसरोल अब हम 6-7 घंटे के लिए रख देते हैं। इसके बाद दही जमने पर फिर से मिलते हैं। ये 6 घंटे के बाद हम अपने दही को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा दही एकदम गाढ़ा अच्छा बनकर तैयार है। ये हमने 2 दही तैयार किए थे, ये हमने नींबू के जामुन से जमाया था और ये हमने मिर्च वाले जामुन से जमाया था। दोनों दही अच्छे एकदम सेट होकर तैयार हैं। इस तरीके से हम दही को काट करके भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा दही बना है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट दही होता है। इसी तरीके से हम इसको भी देखें। ये दही अब आप खाने में यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे दही बने हैं और ये दही हमने अपने घर में जामुन तैयार करके बनाए हैं। तो बड़ी आसानी से आप घर में जामुन नींबू की सहायता से या हरी मिर्च या लाल मिर्च जो भी चीज़ अवेलेबल हो उससे जामुन तैयार कीजिए और दही बना लीजिए। घर में बनाए गए जामुन से हमने ये दही जमाए, बहुत अच्छे दही बनकर तैयार हुए हैं। हमारी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर बाजार से लाए हुए दही से दही नहीं जम रहा है तब आप घर पर नींबू या हरी मिर्च या लाल मिर्च से जामुन तैयार कीजिए और दही जमाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।